हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मी राधिका फ्रॉम स्टेट टीवी। आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि बहुत ही फेमस बिल्डर हैं इंडिया के, मिस्टर निरिपन दास। मिस्टर निरिपन दास, इट्स रियली माय ऑनर टू हैव यू ऑन आवर शो। हम आपका स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। हम एक्चुअली इंडिया का असम से हूँ। असम का गुवाहाटी बोल के जो सिटी है, गुवाहाटी असम का कैपिटल है, इनसे मैं बिलोंग्स करता हूँ। तो मैंने लास्ट 25 इयर्स बिजनेस में काम कर रहा हूँ बिजनेस के लिए। तो पहले तो मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्टर था, अभी भी काम करता है गवर्नमेंट के साथ, और अभी हम मैक्सिमम रियल इस्टेट में अपने को एंगेज कर रहा हूँ। मैं दिल्ली, कलकत्ता, इंडिया का काफ़ी सिटी में काम किया हूँ। तो अभी हम गुवाहाटी में भी मेरा बहुत प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मैंने टूरिज्म सेक्टर एंड रियल इस्टेट सेक्टर, ये दोनों में अपने को ज़्यादा ये एंगेज कर रहा हूँ अभी। मतलब पहले तो मैंने इंजीनियरिंग किया था, सिविल इंजीनियरिंग किया था। इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे मन में लगा था कि बिजनेस करने से तो खाली अपना फैमिली और दो साल लोगों को ये सपोर्ट कर सकेगा। तो मैंने जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता था उसी दिन से मेरा मन में था बड़ा होकर मैं बिजनेस ही करूँगा, जिसमें हम बहुत आदमी को इन्वॉल्व कर सकता है, सबको हम देख सकता है। तो मैंने अभी तक डायरेक्टली 2500-3000 लोगों को अभी हम मेरा अपॉइंटमेंट मैंने मेरा अंदर में काम करता है। वो लोग मेरा सब भाई है, वो लोग अपना एम्प्लॉय नहीं बोलता, हम सबको भाई बोलता है। तो हम लोग सब खुशी में रहता हूँ, सबका साथ एक फैमिली बना करके हम काम कर रहा है। तो अभी लेटेस्ट हम मीडिया लाइन में भी आया हूँ। अभी हम लोग का असम लाइफ 24 बोल के एक चैनल किया हुआ असम में, वो हम सैटेलाइट लॉन्चिंग करने वाला हूँ अगले महीना। तो मुझे स्पेशली दुबई आके बहुत अच्छा लगा। दुबई में बहुत पोटेंशियल है, जैसे हमारा इंडिया भी अभी ठीक हो गया, मोदी जी बहुत ठीक किया इंडिया को। अभी हर काम फटक से हो जाता है, ज़्यादा घूस उस देने का ज़रूरत नहीं होता है। हम लोग बिजनेसमैन एक्चुअली कम्फर्टेबल एक एनवायरमेंट चाहता हो, जैसे हमको रुकना नहीं चाहिए, हमारा गाड़ी हमेशा 120 स्पीड में चलना चाहिए। 20-30 स्पीड में गाड़ी चलाऊंगा कैसे, हम 2500 आदमी को खिलाऊंगा, खाना दूंगा, इन लोग को सैलरी दूंगा। तो अभी हम जिस स्टेट में रहता हूँ उसमें भी एक बहुत डायनेमिक चीफ मिनिस्टर आया है, मिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा। उसने भी काफ़ी काम कर रहा है, उसने आप लोग ताज्जुब हो जाएगा, वो तो 2-3 घंटा सोता है, खाली दिन भरता है, पूरा काम करता है, बहुत कोशिश कर रहा है अभी हर सेक्टर में डेवलप करने के लिए। हमारा जो बीजेपी गवर्नमेंट का जो अभी मेन व्यू है मेक इन इंडिया, तो हम लोग अभी चाइना आना से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेता हूँ। हम लोग सारा गुजरात, असम, बंगाल, मैक्सिमम स्टेट में हम लोग इंडस्ट्री लगाए काफ़ी। मेरा भी 4-5 इंडस्ट्री असम में। तो इंडस्ट्री से क्या होता है, एक तो देश के लिए हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता हूँ देश के डेवलपमेंट के लिए, दूसरा हम लोग काफ़ी सारा लोगों को इसको एंगेज कर सकता हो, और मेन आपका देश डेवलपमेंट आप करने के लिए आपको इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा। लोगों से माल खरीद करके हम अपना देश को नहीं कर पाऊंगा डेवलपमेंट। डेवलप करने के लिए आपको पास इंडस्ट्री होना पड़ेगा, और एक इंडस्ट्री बनाना, एक बिगड़ा हुआ बच्चा उसको ठीक करना जितना मेहनत करना पड़ता है, इससे भी ज़्यादा एक इंडस्ट्री में लगता है। मैंने आपको मैं ये बता रहा हूँ कि एक इंडस्ट्री आप रेडी करने के लिए तो पब्लिक का पास सामान ले जाने तक इतना मेहनत करना पड़ता है, जैसे एक घर में एक बिगड़ा हुआ बच्चा होता है उसको सब ठीक ठाक करके उसको मेहनत जितना होता है ना, इतने से ज़्यादा इंडस्ट्री में ध्यान देना पड़ता है। मेनली टू इंडस्ट्री टू अपना मालिक जो ओनर होता है, इनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इनको हर आदमी का ख्याल रखना पड़ता है, काम ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। और हमारा स्टेट में एक क्या प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल्स का प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा अभी हम थोड़ा, जैसे हम दिल्ली में कर रहा हूँ काम, तो हम सोचा थोड़ा दुबई में भी हम देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे दुबई का स्पेशल में एक देखा हूँ, यहाँ बैंक इंटरेस्ट बहुत कम है। हमारा उधर तो लोग इंटरेस्ट चक्कर में इंडस्ट्री नहीं कर पाता, इंडिया में 9%, 8%, 11%, मैंने खुद इंडस्ट्री किया, 11.5% इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो तो दिखाता है, अगर हकीकत में घुमा फिरा करके 15% ले लेता बैंक वाला, तो आपको उतने ही नहीं देता बैंक। जो फाइनेंस कंपनी है ये लोग पहले आपको रुका देता है, तुम उठो मत। लेकिन यहाँ मैंने देखा, यहाँ का जो राजा है इसको तो बहुत अच्छा लगा मुझे, उसने जिस ढंग से दुबई चला रहा है, ऐसा राजा अगर पूरा वर्ल्ड में होगा ना, पूरा वर्ल्ड में शांति होगा, डेवलपमेंट होगा। इसने इतना सुंदर सिस्टम से बनाया है,
यहाँ में मैं 2-3 दिन में हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ दुबई में। पहले भी मैं आज सब 15 साल पहले आया था दुबई, उसका दुबई और अभी दुबई बहुत डिफरेंस हो गया। तो मैं अभी ये आपका चैनल से ये मैसेज देना चाहता हूँ, हमारा लोग कुछ काम करने के लिए दुबई आ सकता है, दुबई आके काम कर सकता है। बहुत सारे इंडियंस जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको रियल एस्टेट जो दुबई का है इसमें कितना स्कोप दिखता है इंडियंस के लिए या बाकी सारी नेशनैलिटी के लिए? मेरा जो 3 दिन का जो एक्सपीरियंस है, इसने मैंने एक चीज़ देखा हूँ, हमारा देश में काफ़ी सारा फाइलों का चक्कर रहता है। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट जमा करता है तो ये ऑफिसर लोगों का कारण से ये काम होने नहीं रहता। ये लोग आपको उजलते रहेगा, तुम्हारा ये ग्रीन बेल्ट एरिया है, तुम्हारा ये इको सेंसिटिव है, ये लोग बोलते रहेगा। आप देखना आपका सामने वाला प्लॉट में बिल्डिंग बन रहा है लेकिन आपको बनने नहीं देता ये लोग चाहता नहीं है देश का उन्नति। तो हम दुबई में देखा है इतना शांति से लोग काम कर रहा है। दुबई का स्पेशल मैंने एक देखा है, यहाँ का सिक्योरिटी जो है, जो टूरिस्ट के लिए मान लीजिए जो यहाँ का सिटीजनशिप, बहुत सुंदर सिस्टम है यहाँ। यहाँ किसी का टेंशन नहीं है, मन में किसी का भय नहीं। देखिए आपका मन में भय रहेगा आप काम कैसे करेगा? आपको तो शांति चाहिए। आप 12-13 घंटा काम करके घर में आएगा, शांति से नींद भरना चाहिए। तो मैं ये नहीं बोल रहा अपना देश में नहीं हो रहा है, लेकिन अपना देश बहुत बड़ा है, मोटा मोटी 150 करोड़ आदमी रहे हमारा इंडिया में। तो इतना लोगों का संभालना भी बहुत मुश्किल काम होता है, फिर भी मोदी जी बहुत सुंदर से इसको संभाल रहा है। अभी लास्ट मैंने 8-10 साल जो देखा, बहुत तरक्की किया इंडिया। इस लाइन से चलेगा तो इंडिया एक दिन हिंदुस्तान में ये कर लेगा नाम का। और मैंने ये भी देखा, मुझे ये भी अच्छा लगा, हमारा सारा इंडिया का लोग है यहाँ तरक्की कर रहा है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हमारा इंडिया लोगों का है। तो मैं इंडिया लोगों को ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ भी कीजिए, अपना देश में भी थोड़ा कीजिए, क्योंकि अपना देश को ठीक नहीं करेगा दुबई में काम कीजिए, दुबई में डेवलपमेंट होते रहेगा, अपना इंडिया में भी। मैं कल दुबई मॉल विजिट किया, इतना सुंदर मॉल हमारा दिखाने के लिए दिल्ली में खाली एक सिलेक्ट सिटी मॉल है साकेत में, और एक अपना DLF का मॉल है नोएडा सेक्टर 18 में। ये दोनों दिखा करके हम लोग अपने का शेयर ये करता है, मतलब सीना उछा करता हूँ, लेकिन प्राउड करता हूँ। लेकिन हम लोग बहुत पीछे है अभी, हम लोग को करने के लिए अभी काफ़ी सारा करना पड़ेगा मेहनत, जैसे सिस्टमेटिक होना पड़ेगा। मेनली हमारा ऑफिशियल जो लेकुना है गवर्नमेंट का, ये सब ठीक करके सिंगल विंडो सिस्टम करना पड़ेगा। मंत्री लोग नेता लोग बोलता रहता है हम लोग सिंगल विंडो करेगा, लेकिन ऑफिशियल लोग करने नहीं देता इसको। तो जैसे हमारा आसाम में पहले 15 डिपार्टमेंट में एक लाइसेंस, एक तो इंडस्ट्री बनाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। तो अभी ये जो हमारा CM साहब है डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, उसने काफ़ी सारा इसको ठीक कर रहा है। वो तो पूरा दिन भर खाली स्टेट का डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, काफ़ी इसने मेहनत कर रहा है। उसको देख के हम लोग को भी शरीर में ताकत आ जाता है, हम लोग का CM साहब इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं करेगा? देखिए हम लोग काम करेगा तब देश का उन्नति होगा, बिना काम लेक्चर मानने से कुछ काम नहीं बनेगा। और हम आपको एक ही मैसेज देना चाहता है, दुबई आके मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ मुझे बहुत कम्फर्टेबल फील हुआ। मेनली यहाँ एक तो सुबह जब उठता है ना, आप लोग दुबईवासी के लिए एक सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मैंने देखा, भगवान आप लोगों को सूर्य देवता को दिया है। जैसे हमको सूर्य देवता को नमस्कार करते हैं ना, यहाँ उठ के सूर्य देवता में देखता है। हमारा उधर आसाम में तो 6 महीना बारिश, 6 महीना आसाम में काम करना भी बहुत मुश्किल होता है, एनवायरमेंटल बहुत प्रॉब्लम है। तो इंडिया में भी मोटा मोटी दिल्ली में ठीक है, दिल्ली में बारिश वारिश इतना नहीं होता है, लेकिन आप लोग का सबसे अच्छा चीज़ जो है सूर्य देवता। ये सूर्य देवता के लिए आप लोगों को इतना उन्नति हो रहा है, और आप लोग आदमी लोग दुबई वैसे बहुत अच्छा आदमी है, बहुत मजा अच्छा। आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जिनके बारे में आप बात करना चाहेंगे इंडिया में, दुबई में भी हैं तो प्लीज़? दुबई में मैंने अभी स्टडी कर रहा हूँ, अभी 3-4 सेक्टर में एक इंडस्ट्री का भी सोच रहा हूँ यहाँ, और कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट भी हम सोच रहा हूँ। कल भी मैंने काफ़ी सारा चीज़ देखा हूँ, तो मैं गुवाहाटी जाकर अपना देश जाके इसका बारे में डिसीजन लूँगा, क्योंकि कुछ करने का पहले मुझे सारा चीज़ समझना पड़ेगा, यहाँ क्या सिस्टम है। मुझे नॉलेज इतना नहीं है, हम 2-3 दिन से उसको बहुत अच्छा आदमी को मैंने यहाँ का जो परमिनेंट बिजनेसमैन है, जो मेरा दोस्त लोग है, इन लोगों को मिला, ये लोग काफ़ी सारा मुझे बताया, लेकिन इन लोग का मैं बात सुन के हम नहीं करेगा, हम पहले इसका सब कुछ समझ लेगा, सेल्फ स्टडी करेगा कि कोई देखिए हम इतना दूर से यहाँ आएगा तो हमको तो वापसी भी मतलब
फेल नहीं मारना है ना, एग्जाम तो पास करना पड़ेगा। तो मैं लेकिन जितना सीखा हो, जितना मेरा एक्सपीरियंस हो गया दुबई के लिए, दुबई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम कर सकता है लोग। इसीलिए हमारा इंडियन, मैं कल मेरा एक दोस्त ने बताया जे ओनली 17% दुबई का सिटीजन है लोकल आदमी, बाकी 50 कितना परसेंट इंडिया से है। तो कोई भी मैसेज हमारे चैनल के लिए, स्टेट टीवी के लिए आप देना चाहेंगे, हमारी टीम के लिए? ई टीवी के लिए, ई टीवी बहुत अच्छा चैनल है, मैंने इनका सारा प्रोग्राम देखा हूँ, मैं इसको बहुत दिनों से देख रहा हूँ। और इनका जो हमारा ओनर है मिस्टर मोटिन साहब, इसको भी मैं जानता हूँ, ये बहुत अच्छा आदमी है, वो भी दिल्ली से है, वो फ्रेंड न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का है। मुझे अच्छा लगा उसने इतना दूर से आके यहाँ तरक्की कर रहा है लोगों को। मैं खाली इनको ये रिक्वेस्ट करूँगा जे आप, आपका पास जो अभी शक्ति दिया है भगवान ने, जो मीडिया उसका ओनर है, आप थोड़ा अपना देश के लिए भी थोड़ा आप ये कीजिए, और दुबईवासी को भी आप अटैक कीजिए इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत काम हम लोग कर सकता है। क्योंकि इंडिया में सबसे इजी क्या होता है, इसमें लेबर सस्ता होता है। देखिए अभी सारा दुबई का काम हमारा बिहार यूपी ये लोगे कर रहा है, तो इन लोगों को अपना देश में हम लोग काम देने का कोशिश करना चाहिए, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री कराना चाहिए। दुबई में बहुत पैसा वाला आदमी है, रिच पर्सन है, इन लोगों को भी आप इंडिया के लिए बुलाइए। इंडिया को भी हमारा मोदी जी अभी सबको इजी कर रहा है बिजनेस करने के लिए। मोदी जी का आप लोग तो चैनल, मीडिया हाउस सब कुछ कर सकता है, यू आर फोर्थ हाउस ऑफ, बहुत पावर है मीडिया का पास, मीडिया से आता तो कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी, मतलब डेवलपमेंट के लिए, मतलब निगेटिव काम नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव काम कीजिए। आप लोगों का एक न्यूज़ से बहुत लोगों का हौसला बढ़ जाता है, आई एम हैप्पी। और आप लोगों का जो ई टी वी है, ई टी वी में बहुत दिन से देख रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई विश इट कुड बी लिटल लॉन्गर, पर थैंक यू सो मच।